जयपुर फिल्म इंडस्ट्री में लगातार हैट्रिक किया है तीनों गाना, तूफान, जॉलियो जिमखाना और पिनी। और आज मैं तीनों गानों का कंपैरिजन, डिटेल्स, सिंगर, रिकॉर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। इन सभी गाना कौन कौन सी मूवी का है? पेनी है सरकार वरीपता का गाना और ये है सेकंड सिंगल। और इसके बाद आते हैं जॉली ओजिम खाना और जो है बीस्ट का गाना और जो है सेकंड सिंगल। और तीसरी तरफ है तूफान और जो है केजीएफ चैप्टर 2 का गाना और ये फर्स्ट गाना है। ये 3 सॉन्ग कौन से चैनल पर रिलीज हुआ है और इसी चैनल का सब्सक्रिप्शन को लेकर? पेनी गाना रिलीज हुआ है सारेगामा तेलुगु पर और इसी चैनल का सब्सक्राइब है टोटल 1.9 मिलियन। दूसरी तरफ जॉली ओजिम खाना रिलीज हुआ है सन टीवी चैनल पर और जिसका टोटल सब्सक्राइबर है 16.3 मिलियन। तीसरी तरफ तूफान जो रिलीज हुआ है लाहारी म्यूजिक टी सीरीज पर और जिसका टोटल सब्सक्राइबर रहा 13.4 मिलियन। अभी बात करती हूँ गाना का सिंगर को लेकर, जहाँ पर पेनी पर सिंगर रहा नाकश अजीज, जिन्होंने इससे पहले पुष्पा का गाना ये विद्या ईद ही नाटक इसी गाना का सिंगर रहा। दूसरी तरफ बात करूँ जॉली और जिम खाना का तो इसी गाना का सिंगर रहा नान अदर दैन थलापति विजय ने। और बता दोस्तों, विजय ने कई बार अपनी फिल्म का प्लेबैक सिंगर रहा, जैसे कि उन्होंने इससे पहले मास्टर का कुट्टी स्टोरी का सिंगर भी रहा। तीसरी तरफ बात करूँ तूफान को लेकर, इसका सिंगर रहा संतोष वेंकी ने, जिन्होंने इससे पहले केजीएफ और ये जमाना का सिंगर रहा। अभी बात करती हूँ तीनों गाना का लेंथ को लेकर, जहाँ पर पेनी का लेंथ है 4 मिनट 50 सेकेंड, जॉली और जिम खाना गाना का टोटल लेंथ है 3 मिनट 34 सेकेंड और तूफान का 3 मिनट 33 सेकेंड। किसी गाना पर कौन सी फेस नजर आई है? जहाँ पर पेनी पर रहा टॉलीवुड के पे सुपरस्टार महेश बाबू और उनका बेटी सीता राणे, यानी कि एक ही गाना पर बाप और बेटी की डांस मूव्स नजर आई है। और ये गाना रहा एक पार्टी सॉन्ग और दोनों का कॉम्बो इस गाने को ले गई है एक अलग लेवल पर। दूसरी तरफ बात करूँ जॉली ओजिम खाना को लेकर, इसमें थलापति विजय और पूजा हेगड़े की काफी सेलिब्रेशन टाइप डांस मूव्स नजर आई है और ये गाना बीच वाइब वाला गाना है। तीसरी तरफ बात करूँ तूफान को लेकर, जहाँ पर इसमें रॉकिंग स्टार यश के साथ और श्रीनिधि शेट्टी के कुछ ग्लिम्स नजर आई है और जिस गाना पर इंटेंस बीजीएम के साथ काफी इमोशनल टच भी नजर आई है। अभी बात करती हूँ 24 आवर के अंदर लाइक्स का रिकॉर्ड को लेकर, जहाँ पर पेनी को 24 आवर के अंदर लाइक मिला है 548K, जॉली और जिम खाना को मिला है 1.57 मिलियन और तूफान को मिला है टोटल 2 मिलियन प्लस लाइक टोटल 5 लैंग्वेज पर। अभी बात करती हूँ कंपोजर को लेकर, जहाँ पर पेनी को कंपोज किया है एस थमन ने, जिन्होंने इससे पहले विमला नायक और आला वैकुंठपुरमुलो का कंपोजर रहा। दूसरी तरफ जॉली और जिम खाना को कंपोज किया है रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, जिन्होंने इससे पहले अरबी कुथु का कंपोजर रहा। तीसरी तरफ बात करूँ तूफान को लेकर, इसका कंपोजर रहा रवि बसरू ने, जिन्होंने इससे पहले केजीएफ चैप्टर 1 का कंपोजर था। अभी बात करती हूँ 24 आवर के अंदर टोटल व्यूज के बारे में, जहाँ पर पेनी को 24 आवर के अंदर व्यू मिला है 16.4 मिलियन, जॉली ओजिम खाना को मिला है 15 मिलियन व्यूज, तूफान को मिला है टोटल 5 लैंग्वेज में 26 मिलियन व्यूज। अभी बात करती हूँ रिकॉर्ड के बारे में, जहाँ पर पेनी गाना टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 24 आवर के अंदर किया है रिकॉर्ड, जहाँ पर ये आते हैं नंबर 1 पर। और बता दोस्तों, नंबर 3 पर है ओ आंतवाब, जिसका टोटल व्यू मिला था 12.39 मिलियन। नंबर 2 पर है कलावती और जो सरकार वरी पता के ही गाना था, इसको मिला है 14.78 मिलियन। और नंबर 1 पर है पेनी सॉन्ग और इसको मिला है 16.38 मिलियन। और लाइक की मामला पर पेनी है नंबर 7 पे। अभी बात करती हूँ जॉली ओजिम खाना को लेकर, जहाँ पर ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट लाइक के मामला पर सेकंड सॉन्ग का हिसाब से नंबर 1 पर है 15 मिलियन व्यूज लेकर। दूसरी तरफ लाइक के मामला पर ये है 24 आवर के अंदर तमिल फिल्मों के बीच में नंबर 6 पर। अभी बात करती हूँ तूफान को लेकर, और ये सिर्फ कनाडा नहीं या फिर साउथ इंडिया नहीं, बल्कि किया है पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड और मोस्ट व्यू वाला गाना बन गई है तूफान और इसको मिला है टोटल 26 मिलियन व्यूज़।
अभी बात करती हूँ लिरिक्स को लेकर। जब अब पेनी गाना को लिखा है अनंता श्रीराम ने, जिन्होंने इससे पहले अखंडा और अर्जुन रेड्डी फिल्म का राइटर रहा। जॉली जिमखाना को लिखा है के यू कार्थिक ने, जिन्होंने इससे पहले पट्टास का राइटर था। और तूफान की बात करूँ तो इसे गाना को लिखा है रवि बसरूर ने। और अभी तक की टोटल लाइक की बात करूँ, पेनी को अभी तक की लाइक मिला है 583K, जॉली जिमखाना को मिला है 1.7 मिलियन, तूफान को मिला है टोटल लाइक 530K। अभी बात करती हूँ टोटल व्यूज को लेकर, तो पेनी को मिला है दो दिन के अंदर 18 मिलियन व्यूज। जॉली जिमखाना को बात करूँ तो इसका टोटल 3 डेज में मिला है 20 मिलियन व्यूज। तूफान की बात करूँ तो ये रिलीज हुआ है सिर्फ एक दिन हुआ है, और इसको कन्नाडा पर मिला है 5.2 मिलियन व्यूज, हिंदी पर मिला है 7 मिलियन, तमिल पर 2 मिलियन, तेलुगु पर 4.8 मिलियन व्यूज। दोस्तों तीनों गाना के बीच में कौन सा आपका सबसे फेवरेट है कमेंट पे बताइएगा। और ये रहा पेनी वर्सेस जॉली जिमखाना वर्सेस तूफान का कंपैरिजन के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।